दाई आई, वो आश्रम में जो जंगो दाई है, और कौरा दाई है, वो क्या बोली। अरे कहाँ लगा दाई तेरे मोरी मैया, कहाँ लगा दाई कंकाली दाईना। इस प्रकार से कलिया दाई जो है शेर पे सवार हो गई और जंगल में घूमते रही, आश्रम नहीं आई। जब ये आश्रम नहीं आई तो आश्रम में जो महिलाएं थी, गोरा दाई, जंगो दाई और उनके साथ में जो महिलाएं थी, वो कहने लगी, बोले बड़ी समस्या बनी हुई है। कलिया दाई का तो अभी तक पता नहीं है और जो शेर को भेजे हैं, बोले वो शेर का भी पता नहीं है। बोले क्या हो रहा है पता नहीं। बाबा शंभू कहने लगा, एक काम है, बोले ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा कलिया को लिवाने के लिए, इसलिए बोले काम करो, मैं जा रहा हूँ। बोले आज मेरे भाई बाबा शंभू कलिया को लाने के लिए निकल पड़ा और उधर कलिया दाई जंगल में घूम रही है शेर पे सवार होके। और कलिया दाई क्या सोच रही है मन ही मन, अगर जिस दिन मुझे बोले बाबा शंभू अगर कहीं मिल गया, कहीं धोखा से बोले, तो मैं बोले बाबा शंभू से बदला लेके रहूंगी। एक कलिया दाई ने ठान लिया, क्यों कि उनके बच्चों को बंद किया है। और बाबा शंभू इधर से साधारण चला जा रहा है। अब जैसे ही जंगल पहुंचा, बाबा शंभू कलिया ने जाते हुए जब देखी तो कलिया दाई को और गुस्सा आ गई। मन ही मन में कहने लगी, ये आ रहा, बोले मेरा दुश्मन, बोले इसने मेरे बच्चों को बंद किया है, बोले अभी देखती हूँ, बोले इसको मजा दिखाती हूँ, बोले मेरे बच्चों को बंद करने का बदला लेके रहूंगी। बोले और बाबा शंभू सीधा साधा चला जा रहा है और उधर कलिया गुस्सा में आ रही। कलिया दाई ने शेर को जो हाथ मारी, पीछे से शेर दौड़ा और उसी शेर के ऊपर कलिया भी बैठी है। शेर दौड़ा मेरे भाई और बाबा शंभू को जा करके और सीने में पंजा मार दिया।
जैसे ही पंजा मारा तो बाबा शंभू ऊपर मुंह करके जमीन पर गिर गए। शेर ने बाबा शंभू को दबा लिया। बाबा शंभू शेर के नीचे दबा है, उसके ऊपर शेर खड़ा है और शेर के ऊपर और कलियादाई बैठी है, दोनों की वजन। अब बाबा शंभू नीचे दबा दबा सोच रहा कि क्या करना चाहिए, ये शेर कैसे भागेगा, विचार मंथन करने लगा। तो आप जानते हैं मेरे भाई, बाबा शंभू तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। बाबा शंभू ने सोया सोया फिर दबा दबा मट्टी उठाया धीर से, रूसी मट्टी में फिर मंत्र पढ़ा, सूना भूना का मंत्र, और वही जंगल के तरफ फेंक दिया और अपने गले से बड़ी तेज आवाज निकाला। जैसे ही मट्टी फेंका और आवाज निकाला, जंगल में जो जंगली कुत्ते थे जिनको सोन कुत्ते बोलते हैं, वही सोन कुत्तों का झुंड था। वो सोन कुत्ते झुंड के रूप में दौड़ते हुए जहां बाबा शंभू को शेर ने दाबा था, वही दौड़ते हुए आ गए। जैसे ही शेर ने वो कुत्तों को झुंड को देखा तो शेर घबरा गया, क्योंकि शेर डरता है उनसे। शेर घबरा गया और उठ करके भागने लगा। अब उसके पीठ में बैठी थी कलियादाई, वो भी जमीन पे गिर गई, वो भी बेहोश। अब शंभू भी जमीन पे पड़ा है, कलियादाई भी जमीन पे, और शेर अपनी जान बचा के भागा और उसके पीछे से कुत्ते भी दौड़ पड़े। अब शेर कहाँ भाग रहा है, क्योंकि वो गोरा दाई का था, गोरा के पास भाग रहा है। भागते भागते शेर गोरा के पास पहुंचा तो गोरा आश्रम में बर्तन साफ कर रही थी। बर्तन साफ कर रही थी तो उसके हाथ कोयला से ऐसे भर गए थे, काले हो गए थे। अब इधर से शेर भागा और गोरा दाई के इधर से ऐसा निकल गया हाथ के नीचे से। गोरा दाई ने बर्तन साफ करते करते देखी, अरे बोले ये तो मेरा वाहन शेर है, बोले ये दौड़ते हुए क्यों आया है, बोले वो लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहा है। थोड़ी देर के बाद में देखी कि ढेर सारे कुत्ते आ गए वहाँ और वो शेर को पकड़ने के लिए होने लगे। अब शेर अपनी जान को बचाने के लिए गोरा के कहीं इधर से घुसता है, कहीं इधर से निकलता है। अब गोरा दाई अपने शेर को बचाने के लिए अपने हाथ से ऐसा करके कुत्तों को दूर कर रही थी, क्योंकि हाथों में बर्तन अलग पकड़ी हुई थी और साफ कर रही थी। जब संभाल नहीं पाई ढेर सारे कुत्तों को, तो गोरा दाई को बताते गुस्सा आया, वही काले हाथ थे बर्तन साफ करने के कारण, वही काले हाथ उठाई और कुत्तों के मुंह में बोले ऐसा करके थाप मार दिया। तो ये हमारी क्योदंतियां चलती थी, पुराने लोग बताते थे कि जैसे ही हाथ मारी तो कुत्तों के मुंह हो गए काले, बोले तो जिन जिन कुत्तों को गोरा ने हाथ मारी उनके मुंह हो गए काले, तो वो बन गए बोलते थे घरेलू, और जो कुत्ते नहीं पिट पाए तो वो जंगली के जंगली हो गए। ऐसा करके कहानी में बताते थे हमारे लोग। अब वो हाथ को उठाई और शेर के ऊपर ऐसा हाथ फेरी, थक गया बेचारा करके, तो शेर के ऊपर भी डंठल डंठल निशान बन गए करके बताया जाता। अब जो भी हो लेकिन शेर भाग आया वो कुत्तों के डर से, ठीक है ना। अब कहने लगी गोरा दाई, बोले जंगो दाई समझ नहीं आ रहा, बोले जंगल में हो क्या रहा है, बोले अब देखो, बोले शेर आ गया तो अब शंभू की पता नहीं है, बोले अब क्या करें, बोले एक काम करो, बोले जंगोदाई तुम तैयार हो जाओ, बोले अपन बोले दोनों चलते हैं, बोले अब पता करने जंगल, बोले अब मेरे भाई गोरा और जंगोदाई दोनों शंभू की पता करने के लिए अब आश्रम से निकलती हैं और चलते चलते जंगल पहुंची, जहां पर बाबा शंभू भी जमीन पर पड़ा हुआ था और कलियादाई भी जमीन पर पड़ी हुई थी। जैसे ही कलिया दाई ने गोरा दाई को आते हुए देखी तो गोरा दाई को बड़ी शर्म सी लगी। गोरा दाई को देख करके कलिया दाई तुरंत खड़ी हो गई और शर्म के कारण मेरे भाई कलिया दाई ने अपना जीभ निकाली। और इधर जो वाली कलिया के क्या कारण से निकाल रही जीभ, गोंडों की जो कली कंकाली दाई है उसने गोरा को देख करके शर्म के कारण जीभ निकाली थी। आज भी अगर कुछ महिलाएं हैं, आज भी प्राकृतिक है, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो लज्जा या शर्म में आज भी जीभ निकालती हैं कि नहीं निकालती। वो माँ मानती थी, उसको शर्म लगी लज्जा के कारण निकाली। और एक वो कलिया है फोटू वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फोटू वाली के ढेर सारे हाथ है, हो सकती है वो अलग होगी या तो फिर गोंडों का ही इतिहास को तोड़ मरोड़ किया गया होगा। कलियादाई कभी खून नहीं पीती थी, माँ क्या खून पिएगी किसी का।
खून नहीं पीती थी वो, और वो फोटो में थोड़ा अंतर है, ढेर सारे हाथ पांव बना डाले हैं, ठीक है ना, और शेर नहीं है वहाँ। तो जो कलिया दाई है वो जैसे आप हैं महिला, वैसे ही वो महिला है, लेकिन कई कई महिलाओं को पता नहीं कौन सा भाव चढ़ जाता, कहीं कहीं वो सवार होती है ना, कई कई महिलाएं तो भैया इतना परेशान करती है जीव निकाल देती हैं, और मैं कली कंकाली रे कहती है, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी ये बात सही आती है कि गलत आती, ये भी पल्लो नहीं पड़ता। एक बार ढेर सारी देवी आई, अगर ये बात सही है, ये बात मान रहा हूँ, आता है सवारी आती है भार आती है मानता हूँ, ठीक है, लेकिन जो कुछ कुछ बताती वो सही नहीं बता पाती, ये मानता हूँ, बता देती सही। अगर ऐसा होने लगेगा ना, ठीक है, किसी को भी देव आओ आशीर्वाद दिलवा लो, भला उसका काम पूर्ण होता है कि नहीं देखता हूँ। एक आज चुनाव वालों राजा को लाओ आशीर्वाद दिलाओ और चुनाव लड़े और बिल्कुल कुछ ना करे, जीत जाएगा क्या? इसलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर ही तैसा ही फल चाहता, कर्म करना पड़ेगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कहा है ना, सकल पदार्थ है जगमाही और कर्म ही न नर पावत नाही, ठीक है ना। तो मेरे भाई जो कलिया दाई है वो सिंपल थी, कलिया दाई उठ के खड़ी हो गई, शर्म लगी और कहने लगी, गौरा मैया बोले बिना कारण बोले बाबा शंभू ने मेरे बच्चों को बोले गुफा में बंद कर दिया, बोले इसलिए मुझे गुस्सा आ रही थी। अरे बोले बेटा कलिया, किसी भी बात को पहले ध्यान से सुन लेना चाहिए, बोले उसके बाद गुस्सा होना चाहिए, बोले आपको जंगोदाई बता रही थी, बोले आपने पूरी बात सुनाई नहीं, बोले और अपने आप गुस्सा हो गई, बोले बोले बाबा शंभू ने तुम्हारे बच्चों की भलाई देखते हुए बंद किया है, बोले। कलिया कहने लगी गुफा में बंद कर दिया 12 साल, इसमें मेरे बच्चों का भला होगा, बोले बोले हाँ, बोले कैसे? बोले कलिया तुम्हारे जो 33 बच्चे हैं वो मुझे परेशान कर रहे थे दूध पीने के लिए, इसलिए बाबा शंभू ने सोचा कि ये आज गोरा को परेशान कर रहे हैं, आगे चल के और किसी को करेंगे, इनको ज्ञान नहीं है, इसलिए इनको शिक्षा दीक्षा की जरूरत है, ये सोच के बाबा शंभू ने बंद किए हैं, बोले अब उनके लिए बोले कोई बाबा शंभू अच्छा गुरु ढूंढेंगे, बोले उनको गुफा से निकालेगा वो गुरु और उन 33 ही बच्चों को गोंडी धर्म की शिक्षा दीक्षा देगा, बोले इसके बाद में तुम्हारे बच्चे ज्ञानवान हो जाएंगे, ज्ञानवान होने के बाद बोले तुम्हारे 33 ही बच्चे बोले 5 खंड धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों की सेवा करेंगे, बोले और सेवा करने के बाद बोले जब उनका अंत समय हो जाएगा, बोले तो 33 ही जो बच्चे हैं तुम्हारे वो 33 कोट के देवताओं के नाम से यहाँ पूजनी हो जाएंगे, बोले। लेकिन कब होंगे पूजनी? पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे तब। इसलिए आज भी कहा जाता है कि नहीं बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। इसलिए सबसे ज्यादा हमको पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि कहा गया है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है और जो नहीं पीता है वो एक जंगल में जिसको लड़ैया कोलिया बोलते हैं उसके जैसा चिल्लाता है, जानते हैं ना, वो कोलिया रात में हुआ 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 करते रहता है, ठीक है ना, और दिन हुआ तो पता ही नहीं कहाँ चला जाता है, ऐसा ही हाल होते हैं अनपढ़ लोगों को, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाना बहुत जरूरी है, पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मैं 3 चीज को ज्यादा महत्व देता हूँ, शिक्षा संस्कृति और व्यापार, ठीक है ना। शिक्षा सबसे पहले, शिक्षा को महत्व दो, अपने बेटा बेटियों को पढ़ाओ, और ये सोच के मत पढ़ाओ कि हम पढ़ा रहे हैं तो नौकरी लगना चाहिए, नहीं तो कई लोगों के विचार यही है कि नहीं पढ़ाएंगे तो नौकरी लगना चाहिए, नौकरी मौकरी के चक्कर छोड़ो, अब कोई भरोसा नहीं है नौकरी का, ठीक है ना। दादाजी कहते थे ना पहले, मरकम दादाजी, कि आप जैसा सोच रखोगे वैसा ही आप बनोगे, आप नौकर बनने की सोच रखोगे तो नौकरी बन के रहोगे, ठीक है ना। तो हमको कौन सा सोच रखना चाहिए? नौकर बनने की नहीं, मालिक बनने की सोच रखना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे धंधा व्यापार करेंगे तो सेठ बनेंगे, मालिक बनेंगे, बनेंगे ना। अब देखिए पढ़ाने के बाद मतलब शिक्षा, उसके बाद संस्कृति और व्यापार, 3 चीज बता रहा हूँ मैं मुख्य। सबसे पहले हमारे बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहिए, और शिक्षा जब प्राप्त कर लेता है वो, तो शिक्षा के साथ साथ हमको हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार दिलाना चाहिए,
ठीक है ना? क्यों? क्यों? अगर आपने पढ़ा लिखा लिया, वो अच्छा पढ़ के बढ़िया आईएएस बन गया, बड़े बड़े पोस्ट में चला गया, और अगर आपने मेरे भाई संस्कृति और संस्कार नहीं सिखाएंगे ना, वो बच्चा कितना ही बड़ा भी अधिकारी बन जाए, अपने माँ बाप को कभी नहीं समझेगा कि ये मेरे माँ है का बाप है, नहीं समझेगा, कोई मतलब नहीं रखेगा वो। तो ये किसकी कमी है? हमारी कमी हो जाती है, इसलिए हमको ये परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हम अगर छोटे ही पन से बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएंगे, वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए, कितना भी बड़े सर्विस में चला जाए, अपने माँ बाप को वो जरूर सेवा करेगा और मान सम्मान देगा। इसलिए ये चीज जरूरी, और ये चीज नहीं सिखाए तो कोई मतलब नहीं पढ़ाने का, फिर नहीं मतलब ना। अब देखिए, पढ़ लिख लिया, संस्कारवान भी हो गया, अब परिवार चलाने के लिए उसको क्या चाहिए? अब गृहस्थ चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ धंधा व्यापार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो जब तक ये तीन चीज नहीं रहेगी तो हमारा काम नहीं चलता। इसलिए वो कहने लगे, बोले तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे जाके पूजनीय हो जाएंगे, देवता बन जाएंगे। कलियादाई का तुरंत क्रोध खत्म हो गया, मेरे बच्चे देवता बनेंगे करके बाबा शंभू के चरणों में हाथ जोड़ के सेवा जोहार करी और कहने लगी कि बाबा क्षमा कर दो, बोले मुझसे गलती हो गई। और बोले बाबा ये बताइए, बोले मेरे बच्चों को गुफा से निकालने के लिए गुरु कौन है? बोले और कौन अच्छे से पढ़ाएगा? बोले वो गुरु कहाँ है उसका पता बताइए। बोले तो बाबा शंभू क्या बताता है? बोले कलियादाई, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने वाला, तुम्हारे बच्चों को गुफा से निकालने वाला, बोले कोयली कछारगढ़ पर्वत में सेमर पेड़ के नीचे 7 वर्ष के लिए तप करने बैठा है और उसका लगभग तप पूरा हो गया, इसलिए तुम उसी के पास जाइए और उसी से निवेदन करिए, वो तुम्हारे 33 बच्चों को बोले गुफा से अवश्य निकालेगा। कलियादाई खुश हो गई। अब कलियादाई जंगो से कहने लगी, बोले जंगो, बोले तुम एक काम करो, बोले तुम चलो, बोले उसको मना के रखना, बोले बोल के रखना, बोले। तो वहां से जंगोदाई को भेजा जाता है। कलियादाई ने किसको भेजी? जंगो को। अब जंगोदाई जाती है वहां से कछारगढ़। अब वहां जाके देखती है तो कुपार बाबा सेमर पेड़ के नीचे तप करने बैठा है, कल बताया था ना, वही पहुंची। तो हाथ जोड़ करके वो जंगोदाई कुपार बाबा से बोलती है क्या? कि हाथ जोड़ जंगो, बोली सुनो हिरवा पुत्र कुपारो, उरिया पिढिंगा में आई हूँ आज ले कर के कुछ कार्य। बोले बाबा, मैं आपके पास मुझे कुछ काम लेके आई हूँ। कुपार बाबा बोले क्या? बोले बाबा 33 करोड़ जो बच्चे हैं कलियादाई के, उनको बाबा शंभू ने कछारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया, इसलिए बोले बाबा तुम मेरे साथ चलो और उन बच्चों को गुफा से मुक्त कर दो। बोले ठीक है। तो इस प्रकार से कुपार लिंगो बाबा तैयार हो गया रायतार जंगोदाई के साथ जाने के लिए। इस प्रकार से अब दोनों जा रहे हैं, कौन कौन? लिंगो बाबा और जंगोदाई। इसमें याद रखना, मैं लिंगो जंगो बोल दूंगा तो समझ जाना, क्योंकि लंबी लंबी नाम है, ठीक है? जंगोदाई का नाम बड़ा लंबा है, रायतार जंगोदाई, ठीक है? अगर जंगोदाई बोलूंगा तो समझ जाना ये वही रायतार है। और कुपार लिंगो का भी नाम लंबा पड़ जाता है, पहांदी पारी कुपार लिंगो, तो इसको लिंगो बोलूंगा तो समझ जाना वही है गुरु। कहीं कहीं क्या है, नारा जब लगाते हैं ना तो वो लिंगो बाबा को लिंगोदाई बोल देते हैं, जबकि वो दाई नहीं है, ठीक है ना? और जंगो जंगो है दाई, जंगो माता शक्ति है और लिंगो पिता शक्ति है, लिंगो और जंगो। अब ये दोनों निकलते हैं वहां से और चलते चलते कछारगढ़ पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो मेरे भाई कछारगढ़ में भयंकर जंगल था और आज भी है। जैसे ये जंगल के अंदर घुसे तो इनको गुफा ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि इनसे ऊंचे तो पेड़ थे,
ये जंगल के अंदर घुसे तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, इनको कहीं गुफा समझ नहीं आई। अब बोले क्या करें। लिंगो बाबा ने सामने की तरफ देखा तो वही बरगद का पेड़ दिखा उसको जिस पे वो गिद्ध रहता था। जंगोदाई से कहने लगा, बोले जंगो देखो, बोले वो बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा है, बोले उसमें हम चढ़ के देखेंगे, बोले तब गुफा दिखेगा। बोले चलो। अब जैसे ही ये लोग बरगद के पेड़ के किनारे गए और चढ़ने लगे, उस समय वहां गिद्ध नहीं था, गिद्ध अपने बच्चों के लिए कहीं भोजन लेने चला गया था। अब ये लिंगो जंगो जब पेड़ में चढ़ने लगे, अचानक एक नाग देवता आया और वो भी उन्हीं के पीछे से उसी पेड़ में वो भी चढ़ने लगा। अब लिंगो जंगो चढ़ते जा रहे हैं, उनके पीछे से नागदेव भी चढ़ते जा रहा है। जंगोदाई ने देख लिया, लिंगो बाबा से कहने लगी, बाबा देखो देखो नीचे से, बोले हमारे पीछे से, बोले नागदेव भी चला जा रहा, बोले जल्दी जल्दी ऊपर चलो, बोले नहीं तो वो पीछे लगा है। अब लिंगो बाबा भी जल्दी जल्दी ऊपर को चढ़ते जा रहा, उसके पीछे से जंगोदाई, उनके पीछे से नागदेव भी। अब जैसे ही ये लोग ऊपर पहुंचे तो ऊपर एक घोंसला में वो गिद्ध के बच्चे थे। वो बच्चों ने जैसे ही देखा ये दोनों को तो वो बच्चे घबरा गए और चिल्लाने लगे। लिंगो बाबा कहने लगा, जंगोदाई ऊपर कोई पक्षी के बच्चा है, बोले वो हमको देख के डर रहे हैं, बोले इसलिए, बोले एक काम करो ऊपर नहीं जाएंगे, बोले नीचे उतरो, बोले बोले नीचे उतरो। किधर से उतरे, बोले बाबा नीचे तो नागदेव चला आ रहा। अरे बोले अब तो दिक्कत बनी, अब दोनों बीचों बीच में फंसे हैं, पेड़ से नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे और ऊपर भी नहीं जा पा रहे, तब करें तो क्या करें। बोले लिंगो बाबा ने विचार किया और सोचा कि क्या करूं। तुरंत लिंगो बाबा ने अपने गले से बड़ी तेज आवाज निकाल दिया। जैसे ही आवाज निकाला तो जो गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेने गया था उस गिद्ध ने उस आवाज को सुन लिया। जैसे ही आवाज सुना तो गिद्ध घबरा गया कि बोले इतनी तेज आवाज किसकी है, बोले कहीं मेरे बच्चों को कुछ तो नहीं हुआ। तुरंत गिद्ध भोजन छोड़ के वापिस हुआ और अपने बच्चों के किनारे आके बैठ गया और बच्चों से पूछने लगा कि बोले थोड़ी देर पहले बड़ी तेज आवाज किसने किया था। वो बच्चे कहने लगे, बोले इस पेड़ में दो मानवल शक्ति आई है, बोले वो पेड़ में चढ़ी है, बोले। गिद्ध देखने लगा, गिद्ध को दिख गए दोनों लोग लिंगो जंगो। गिद्ध कहने लगा, अरे वो मानवल शक्ति, बोले तुम कहाँ छिप रहे हो, बोले वो पत्तों की आड़ में छुपने लगे थे, बोले तुम कहाँ छुप रहे हो, तुम मेरे सामने आओ, बोले और तुम अगर नहीं आओगे और मुझे कहीं गुस्सा आया, बोले तो मैं अपनी चोंच से, बोले तुम्हारी दोनों की आंख फोड़ डालूंगा, बोले। मेरे भाई लिंगो जंगो घबरा गए, बोले अब तो बोले गिद्ध के पास जाना पड़ेगा। ये गिद्ध के पास गए और गिद्ध से हाथ जोड़ के कहने लगे, बोले गिद्धराज बड़ी तेज आवाज में, बोले मैं ही नहीं चिल्लाया था, बोले क्यों, तो क्या बोले गिद्ध, हे गरुड़पति, हे गरुड़पति, हम दोनों तरफ से आज धर्म संकट में पड़ गए और यही कारण से हमने ही आज जोर जोर से चिल्लाए। क्या बोले, बोले गिद्धराज हम दोनों इस पेड़ के बीचों बीच धर्म संकट में फंसे हुए थे। बोले क्यों, बोले गिद्धराज हम जैसे ही पेड़ में चढ़े तो नीचे से नागदेव भी चढ़ते आ रहा था, इसलिए हम नीचे उतर नहीं पा रहे थे। हम जब ऊपर आते थे तो तुम्हारे बच्चे हमको देख करके वो डरते थे और चिल्लाते थे, इसलिए हम ऊपर भी नहीं आ पा रहे थे और नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे, इसलिए गिद्धराज मैंने ही अपनी गले से आवाज निकाला था। हे गिद्धराज आपके आने से हमारी जान बच गई। बोले बोले कैसे बच गई, बोले गिद्धराज जब तुम आकर के इस पेड़ में बैठे, बोले तो तुमको जैसे ही नागदेव ने देखा तो वो पेड़ से उतर के भाग गया, बोले। और गिद्धराज अगर मैं नहीं आता और मैं चिल्लाता नहीं तो ये नागदेव चढ़कर के तुम्हारे बच्चों को खा सकता था, तो हमारे आने से तुम्हारे बच्चों की जान बच गई। गिद्ध धन्यवाद देता है, कहता है कि बाबा बोले तुम्हारे आने से मेरे बच्चे बच गए, बोले अगर नहीं आते तो आज मेरे बच्चों को नागदेव खा जाता। अच्छा बोले बाबा, गिद्धराज कहने लगा, अच्छा बोले बाबा आप ये बताइए, बोले इस पेड़ में आप क्यों चढ़े हुए हो,
लिंगो बाबा कहने लगा, गिद्धराज यही कहीं आसपास बोले कोई गुफा है, बोले उसमें बाबा शंभू ने 33 करोड़ बच्चों को बंद किया है क्या? बोले हाँ। बोले गिद्धराज हम वही पता कर रहे हैं। तो बोले गिद्धराज आपको पता हो तो बोले वो गुफा बता दो। तो गिद्धराज वहीं से वो गुफा बताता है। बोले देखो, बोले बाबा लिंगो जंगो से कहता है कि हे भाई देखो उधर, आज ऊंचा दिखे पहाड़ो और है भयानक तहां गुफा, आज दिन डूबा तो है द्वारो। क्या बोले? बोले देखो, बोले वो सामने, बोले जो बहुत ऊंची पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी के नीचे बोले जो भयानक गुफा दिख रही है, जिसके दरवाजा दिंडुवत की तरफ है और दरवाजा में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, उसी गुफा में बोले बाबा शंभू ने 33 करोड़ बच्चों को बंद किया है। जैसे ही देखे लिंगो जंगो ने तो कह लगे, गिद्धराज आपको धन्यवाद है, बोले हम यही पता कर रहे थे। गिद्धराज कहने लगा, पता करके क्या करोगे, ये तो बता दो। बोले लिंगो जंगो कहने लगे, गिद्धराज ये बच्चों को हम गुफा से निकालेंगे। गिद्धराज कहने लगा, असंभव। बोले क्यों? इन बच्चों को वही निकाल सकता है जिसको संगीत का ज्ञान हो, संगीत या कहो, बिना संगीत के बच्चों को कोई नहीं निकाल पाएगा। जिसको 36 प्रकार से राग आता हो। तो कोपार लिंगो ने तो सीखा था। बोले संगीत मुझे भी है, बोले मालूम, मतलब संगीत या को मैं भी हूँ, बोले गिद्धराज। तो बोले अच्छा, तो बोले तुमको संगीत किसने सिखाया है? तो मेरे भाई कोपार लिंगो को संगीत किसने सिखाया था, ये बात शायद मैंने कल बताया हूँ ना। कोपार लिंगो को संगीत किसने सिखाया था, जिसको मालूम हो तो एक बार हाथ उठा के बता दें आप। पूरा गड़बड़ हो रहा है, ऐसा लगता और करना पड़ेगा कार्यक्रम आपको। तो मैं सोच रहा था कि एक ही साल में क्लियर हो जाते तो अच्छा रहता, नहीं होएगा ऐसा लग रहा। ठीक है मेरे भाई, याद तो रखना पड़ेगा ना। कुछ लोग लिख रहा है भाई, तो चलो ठीक है। अगर कोई पूछने लगे कि तुम्हारे जो पहांदी पारी कोपार लिंगो है उनको संगीत किसने सिखाया, तो क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे लोग, तुम धर्म मानते हो, जानते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन उसका इतिहास तो नहीं जानते। बोले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, बोल देंगे लोग। बोलेंगे कि नहीं, दूसरा का इतिहास खूब जानते हैं कि राम किसका लड़का है, तो राम के बाप कौन है, तो फलाना ढिकाना कौन है, तो गणेश कौन है, तो सीता मैया कौन, खूब जान रहे हो। वो इतिहास जान रहे हो ना आज भी? चलो उसको भी जानना बहुत अच्छी बात है, उसको भी जानो, लेकिन उसके साथ साथ अपना खुद का भी इतिहास जानो। नहीं तो लोग यही कहेंगे ना, दूसरे का इतिहास खूब जानते हो और खुश का इतिहास नहीं जानते, तो इससे अच्छा है तो तुम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसलिए अब इतिहास जानने की जरूरत है, अब वो समय आया है। जो इतिहास नहीं जानेगा उसका संस्कृति सब खत्म हो जाएगी, उसको कोई मानता नहीं देगा, मानेगा नहीं बिना इतिहास। तो मेरे भाई कोपार लिंगो को जो संगीत सिखाने वाला था, कोपार लिंगो कहने लगा, गिद्धराज मेरा जो संगीत या गुरु है, बोले वो धन्ने गांव का रहने वाला हीरा सू का दादा है। कौन है? हीरा सू का दादा, जिनको हम परधनिया भी बोलते हैं कुछ क्षेत्र में, पाटारी भी बोलते हैं, पाटालीर भी बोलते हैं, जो ऐसा कींगरी बजाते थे, कीकरी पाना, हमारे देवी देवताओं की ठाना बाना में गाते थे, वही गीत गाते थे ना, देव जग जगाते थे। बोले उसने सिखाया है। अगर ऐसी बात है, बोले गिद्धराज, तो मैं अकेला नहीं, अपने गुरुजी को भी लेके जाऊंगा। बोले अरे, बोले लिंगो बाबा, अगर गुरुजी को ले जाओगे तो फिर तो आप फेल हो गए नहीं, आपका काम सफल ही होगा। बोले क्यों? कि जो बोले गुरु के सहयोग और सलाह से जो काम करता है, बोले